की तस्वीर दिखाते हैं जहां पर आज सर्वसम्मति से मोदी को अपना नेता चुना गया है। सांसदों की तरफ से एनडीए संसदीय दल की है बैठक। फर्स्ट इंडिया पर नॉनस्टॉप कवरेज जारी है। मोदी की राजतिलक की महातैयारी जो है उस पर भी माइंड गए और अब नरेंद्र मोदी संबोधित करने आ रहे हैं। चाहे नीतीश कुमार की बात की जाए, उद्धव ठाकरे की बात की जाए, जितने भी सहयोगी हैं, रामविलास पासवान की बात करें, सब यहां पर मौजूद हैं। अमित शाह ने संबोधित किया। राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित भाई, एनडीए के सभी वरिष्ठ नेतागण, श्रद्धा अडवाणी जी, जोशी जी, सभी आदरणीय मुख्यमंत्रीगण और सभी आदरणीय सांसदगण, मैं सबसे पहले तो हृदय से आप सबका आभार व्यक्त करता हूं। भारतीय जनता पार्टी ने संसदीय दल के नेता के रूप में सर्वसम्मति से मुझे चुना। एनडीए के भी सभी सांसदों ने और एनडीए के सभी दलों ने भी इसका समर्थन किया और इसके लिए मैं आपका हृदय से बहुत बहुत आभारी हूं। ये हमारे सेंट्रल हॉल की ये घटना ये असामान्य घटना है। हम आज नए भारत के हमारे संकल्प को एक नई ऊर्जा के साथ आगे बढ़ाने के लिए यहां से एक नई यात्रा को आरंभित करने वाले हैं। देश की राजनीति में जो बदलाव आया है अपने अपने स्तर पर, आप सभी ने इसका नेतृत्व किया है। आप सभी इस बदलाव की प्रक्रिया के बहुत बड़े साक्षी भी हैं। आप सभी अभिनंदन के अधिकारी हैं, लेकिन विशेष रूप से जो पहली बार चुन करके आए हैं वे विशेष अभिनंदन के अधिकारी हैं और इसलिए मैं उनको अनेक अनेक शुभकामनाएं देता हूं। पूरा विश्व का ध्यान भारत के इस चुनाव में था। ये चुनाव कितना बड़ा होता है, कितना व्यापक होता है, इसकी व्यवस्थाएं कितनी बहुत होती है, ये विश्व के लिए एक बहुत बड़ा अजूबा है। और इस काम को चुनाव आयोग ने, राज्यों के चुनाव आयोगों ने, सरकार से संबंधित सभी छोटे मोटे मुलाजिम अधिकारी, सुरक्षा बल, इन सब की एक कठोर परिश्रम का ये कालखंड होता है। सुचारू रूप से भारत के लोकतंत्र के उस उत्सव को विश्व के सामने और अधिक प्रतिष्ठित बनाने के लिए
योगदान देने वाले उन सभी का भी इस सदन में आप सबके माध्यम से हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, मैं उनका अभिनंदन करता हूं। इस अवसर पर भारत में तो चुनाव अपने आप में एक उत्सव था, मतदान भी अनेक रंगों से रंगा हुआ था, भरा हुआ था, लेकिन विजयोत्सव उससे भी अधिक शानदार था। न सिर्फ भारत में लेकिन पूरे विश्व में फैले हुए भारतीयों ने और भारत प्रेमियों ने भारत के इस विजयोत्सव में जिस बढ़ चढ़ करके उमंग और उत्साह के साथ दुनिया भर में हिस्सा लिया है, ये अभी अपने आप में हम सबके लिए गर्व का अवसर है। मैं विश्व भर में इस उत्सव को मनाने वाले, इस चुनाव से प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से जुड़े हुए उन सबका भी अभिनंदन करता हूं। साथियों, प्रचंड जनादेश वो जिम्मेदारियों को भी बहुत बढ़ा देता है और जिम्मेदारियों को सहर्ष स्वीकार करने के लिए हम निकले हुए लोग हैं, उसके लिए नई ऊर्जा के साथ, नए उमंग के साथ हमने आगे बढ़ना है। लेकिन भारत के लोकतंत्र को हमने समझना होगा। भारत का लोकतंत्र, भारत का मतदाता, भारत का नागरिक, उसका जो नीर क्षीर विवेक है, शायद कोई मानदंड से उसको नापा नहीं जा सकता है। और दिन ब दिन भारत का लोकतंत्र इतना मैच्योर होता चला गया है कि आज हम कह सकते हैं कि सत्ता, पावर, सत्ता का रुतबा भारत के मतदाता को कभी प्रभावित नहीं करता है। सत्ता भाव न भारत का मतदाता स्वीकार करता है और न ही उसको पचा पाता है। मजबूरन कभी सहन कर ले, लेकिन स्वीकार नहीं करता है। सम्मान तो कभी नहीं देता है, लेकिन इस देश की विशेषता है कि बड़े से बड़े सत्ता सामर्थ्य के सामने भी सेवा भाव को वो सर झुका करके स्वीकार करता है। और इसलिए चाहे हम भारतीय जनता पार्टी के जनप्रतिनिधि बनकर के आए हो, चाहे एनडीए के आए हो, जनता ने हमें स्वीकार किया है सेवा भाव के कारण। सत्ता के गलियारों में रहने के बावजूद भी सत्ता भाव से अलिप्त रहना, इसके लिए अपने आप को तैयार करना होता है। और जितनी प्रबल मात्रा में सेवा भाव को उजागर करेंगे, सत्ता भाव सिमटता जाएगा, और जैसा जैसा सत्ता भाव सिमटता जाएगा, जनता का आशीर्वाद बढ़ता जाएगा। और इसलिए रामकृष्ण परमहंस का एक ही संदेश रहता था कि जीव में ही शिव है।
और इसलिए जीव मात्र की सेवा वो शिव की सेवा से कम नहीं है। ये सेवा भाव हमारे लिए और देश के उज्जवल भविष्य के लिए, इससे बड़ा कोई मार्ग नहीं हो सकता है, उससे बड़ा कोई दिशा नहीं हो सकती है। आज एनडीए के भी सभी वरिष्ठ साथियों ने आशीर्वाद दिए हैं और आप सब ने मुझे नेता के रूप में चुना है। मैं इसे एक व्यवस्था का हिस्सा मानता हूं। मैं भी बिल्कुल आप में से एक हूं, आपके बराबर हूं, और हमें कंधे से कंधा मिलाकर के चलना है। एनडीए की यही तो ताकत, यही विशेषता है, हमें कंधे से कंधा मिलाकर चलना है। लेकिन अगर कुछ गलत हो भी जाए, गलती हो जाए, तो एक सर ऐसा चाहिए कि चोट आए तो वही झेल लें ताकि बाकी कंधे सलामत रहे। उस चोट के झेलने के लिए आपने मुझे आज बिठाया है, तो मैं भी अपने आप को उसी रूप में सज्ज करने के लिए अविरत प्रयास करूंगा और आपके विश्वास पर मैं जरूर खरा उतरूंगा। इस चुनाव में एक बहुत बड़ी विशेषता है, आमतौर पर आचार्य विनोबा जी भावे इस विषय को बार बार कहते थे और वो चाहते थे सहमति की राजनीति के वो पक्षकार रहते थे। चुनाव बांट देता है, दूरियां पैदा करता है, दीवार बना देता है, खाई पैदा कर देता है, लेकिन 2019 के चुनाव ने दीवारों को तोड़ने का काम किया है। दिलों को जोड़ने का काम किया है। 2019 का चुनाव एक प्रकार से सामाजिक एकता का आंदोलन बन गया। समता भी, ममता भी, समभाव भी, ममभाव भी, ये समभाव और ममभाव का वातावरण, ये समता और ममता का वातावरण, इसने इस चुनाव को एक नई ऊंचाई दी है और इसलिए शायद भारत के लोकतांत्रिक जीवन में, चुनावी परंपरा में, देश की जनता ने एक नए युग का आरंभ किया है और हम सब उसके साक्षी हैं। हम रचयिता हैं ऐसा दावा नहीं कर सकते, हम साक्षी हैं। साक्षी भाव से अगर इन चीजों को देखेंगे, समझेंगे, तो जन सामान्य जो आशा, अपेक्षा, आकांक्षा है, हम भी हमारे जीवन को उसको और मजबूत बनाने के लिए हम कोशिश करते रहेंगे। कई लंबे अरसे के बाद आमतौर पर हमारे देश में एक मूड बना, भाई चुनाव आया है, वोट देना है, किसी को काम देना है, मतलब एक कॉन्ट्रैक्ट टाइप नेचर बन गया। अच्छा भाई चलो, ये तुमको 5 साल के लिए दिया, तुम ये करके दो, और नहीं दिया चल जा, दूसरा आ जा। ये बाय एंड लार्ज हमने लोकतंत्र का यही हाल करके रखा था। इस बार देश भागीदार बना है, सिर्फ उसने 2014 में हमें बिठाया ऐसा नहीं,
2014 से 19 तक हमें चलाया भी है। 2014 से 19 वो भी हमारे साथ चला है, कभी कभी हमसे दो कदम आगे चला है। 2014 से 19 उसने भागीदारी की, जिम्मेवारियों को कंधे पर उठाया, वरना देश का एक प्रधानमंत्री नया नया आया हुआ प्रधानमंत्री लाल किले से कह दे कि अरे यार गैस की सब्सिडी छोड़ दो और इस देश के 1.25 करोड़ परिवार गैस की सब्सिडी छोड़ दे। मतलब सरकार को हम लोगों ने जितना चलाया है, देश को हमने जितना बढ़ाने का प्रयास किया है, उससे ज्यादा 1.25 करोड़ देशवासियों ने किया है। और उसी का परिणाम है कि ये चुनाव प्रो इनकम्बेंसी, आमतौर पर एंटी इनकम्बेंसी बड़ा नेचुरल होता है क्योंकि राजी नाराजी उसका एक स्वाभाविक होता है। कभी सांसद के प्रति राजी नाराजी होती है, कभी संगठन में राजी नाराजी होती है, कभी वेस्टर्न इंटरेस्ट ग्रुप को बड़ा दुख होता है, बहुत कुछ होता है और वो एक प्रोफेशनल हैजार्ड भी है। हम कितना भी कोशिश करें लेकिन कुछ न कुछ तो हो ही जाता है, लेकिन विश्वास की डोर जब मजबूत होती है तब प्रो इनकम्बेंसी वेव पैदा होता है। ये प्रो इनकम्बेंसी वेव विश्वास की डोर से बंधा हुआ है, विश्वास की डोर से सामर्थ्यवान बना हुआ है, और विश्वास का डोर जनता और सरकार के बीच ही नहीं, जन जन के बीच भी वो विश्वास का डोर बना चला है और उसमें से ये प्रो इनकम्बेंसी वेव पैदा हुआ है। और इसके कारण ये चुनाव पॉजिटिव वोट का चुनाव है, फिर से सरकार को लाना है, फिर से सरकार को काम देना है, फिर से सरकार को जिम्मेवारी देनी है, इन लोगों के माध्यम से देश को यहां ले जाना है। इस सकारात्मक सोच ने ये इतना बड़ा जनादेश दिया है। लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं के जो पंडित हैं आज शायद उतना उनका चित्र अभी हो सकता है धुंधला हो, क्योंकि रिजल्ट का प्रभाव भी रहता है, लेकिन जब शांत मन से सोचेंगे, ये धुंधलाहट हटेगी, तो ये सकारात्मक शक्ति का सामर्थ्य क्या होता है और उसको चैनलाइज करने की दिशा में अगर लोग जुड़ेंगे, मैं समझता हूं हम देश की बहुत बड़ी सेवा कर पाएंगे। न सिर्फ सरकार, 1.25 करोड़ देशवासियों का संकल्प और पुरुषार्थ और परिश्रम एक बहुत बड़ी ताकत बनकर के उभर सकता है। कभी कभार छोटी मोटी घटनाएं सार्वजनिक जीवन में निराश कर देती है। कोई एकाध निर्णय किया हो और पचाने चारों तरफ से अगर आंदोलन खड़ा हो जाए या अखबार में हेडलाइन आ जाए और 24 घंटे टीवी पर दिखाई दे तो अच्छे अच्छे हिल जाते हैं, तो लगता है यार क्या होगा पता नहीं, डर लग जाता है चुनाव चला गया क्या होगा यार, कैसे जाऊंगा मतदाताओं के बीच में, क्या आमतौर पर वातावरण बना हुआ है। लेकिन आपने देखा होगा हिंदुस्तान के मतदाता में जो निरक्षीर विवेक है उसकी ताकत देखिए। ऐसा नहीं है कि काम करते करते राजी नाराजी नहीं होती है, ये तो कोई दावा नहीं कर सकता है। जो कुछ नहीं करते उनके लिए तो ठीक है कि भाई न राजी है न नाराजी है, जो करता है उसके लिए सब कुछ होता है, लेकिन परिश्रम की अगर पराकाष्ठा हो और ईमानदारी के विषय में जरती भर भी संशय न हो तो देश उसके साथ चल पड़ता है। इस बार देश को दिखा देता है यह देश परिश्रम की पूजा करता है, यह देश ईमान को सर पे बिठाता है और यही इस देश की पवित्रता है। इस पवित्रता को लेकर के चलना, उस पवित्रता को समर्पित होना,
ये हमारा भी दायित्व बनता है, क्योंकि जन सामान्य की जो निरक्षर विवेक है उसकी कसौटी के यही मानदंड होते हैं। और मुझे विश्वास है कि हम सब आने वाले दिनों में इनको लेकर के पक्का परिणाम ला सकते हैं और हम आगे भी बढ़ सकते हैं। जनता ने हमें इतना बड़ा आदेश दिया है, स्वाभाविक है थोड़ा सीना चौड़ा हो जाता है, स्वाभाविक जरा माथा ऊंचा हो जाता है। तुमसे अच्छा तुम्हारे गांव वाले मेरे साथ ये किया था, जनप्रतिनिधि को ये सोचने का हक नहीं होता है। जनप्रतिनिधि के लिए एक दायित्व होता है, और मैंने आज संविधान को नमन करते हुए जब आपसे बात करता हूं तब जनप्रतिनिधि के लिए कोई भेद रेखा नहीं हो सकती है। जो हमारे साथ थे हम उनके लिए भी हैं, जो भविष्य में हमारे साथ चलने वाले हैं उनके लिए भी हैं। जिन्होंने आज हम पे विश्वास रखा है हम उनके लिए भी हैं, और जिनका विश्वास हमें जीतना है हम उनके लिए भी हैं। और इसलिए मेरे क्षेत्र का सर्वांगीण विकास और तभी तो सबका साथ सबका विकास, यह मंत्र पूरे विश्व ने स्वीकार किया है। विश्व के नेता उसका ट्रांसलेशन करके मुझे कहते हैं इसको जरा समझाइए, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा मार्गदर्शक सिद्धांत हमारा है, सबका साथ सबका विकास। और इसलिए जनप्रतिनिधि से मेरा आग्रह रहेगा, शासक के रूप में तो हमारी जिम्मेवारियां है ही है, संविधान ने हमें जिम्मेवारियां दी है, लेकिन जनप्रतिनिधि के नाते एक मानवीय संवेदनाओं के साथ अब हमारा कोई पराया नहीं हो सकता है। और आप देखिए उसकी ताकत बहुत बड़ी होती है जी, कभी अनुभव करके देखिए, दिलों को जीतने की कोशिश करें। इस बार के जनादेश की कई विशेषताएं हैं। 2014 में भारतीय जनता पार्टी को जितने वोट मिले थे और 2019 में जितने वोट मिले हैं उसमें जो वृद्धि हुई करीब करीब 25% करीब करीब 25%, लेकिन ग्लोबल पर्सपेक्टिव में अगर ये देखें हम तो अमेरिका के चुनाव में राष्ट्रपति ट्रंप को जितने वोट मिले थे उतना हमारा इंक्रीमेंट है। यानी स्केल देखिए आप कितना बड़ा स्केल है, ये भारत के लोकतंत्र की ताकत देखिए। और 17 राज्य 17 जहां के मतदाताओं ने 50% या 50% से ज्यादा वोट दिया, ये वेव वगैरह सारे शब्द जी मैंने बहुत छोटे लगते हैं। और मुझे जब किसी ने पूछा था कि मैं चुनाव ये चुनाव अभियान में मैं अनुभव कहता हूं मेरा अपना, और ये शब्दों में मैं अभिव्यक्त भी नहीं कर पाऊंगा, मैं जब इस चुनाव अभियान में जा रहा था मैं कहता रहे ये चुनाव हम नहीं लड़ रहे थे, न मेरी पार्टी लड़ रही है, न मेरा उम्मीदवार लड़ रहा है, न मोदी लड़ रहा है, ये चुनाव मैं देख रहा हूं देश की जनता लड़ रही है। तो मुझे एक पत्रकार ने पूछा फिर आप इतना दौरा क्यों करते हैं, मैं कहा वोट मांगने के लिए नहीं दौरा कर रहा हूं, मैं उनका धन्यवाद करने के लिए निकला हुआ हूं। और मैं अनुभव करता था जी, मैं मेरे जीवन के कई पड़ाव रहे हैं, व्यक्तिगत जीवन की एक अलग दुनिया से मैं आया हूं, और इसलिए मैं इन चीजों को बहुत भली भांति बहुत मेरा जो ईश्वर ने जो मेरे शरीर की मन की बुद्धि की आत्मा की रचना की है
उन चीजों को बहुत तेजी से पकड़ती है। और इसलिए मैं कह सकता हूं कि मैंने इतने चुनाव देखे, इतने चुनाव में हार जीत तू तू मैं सब कुछ देखा, लेकिन मैं कह सकता हूं मेरे जीवन में 2019 का चुनाव ये एक प्रकार से तीर्थ यात्रा थी। ये चुनाव अभियान नहीं था जी। और जब हम शब्दों में कहते हैं जनता जनार्दन ईश्वर का रूप होता है, शायद हमारे सांस्कृतिक विरासत के अंदर ये शब्द मिले होंगे। मैंने अपनी आंखों से, अपने हृदय से, अपने आत्मा से, अपनी बुद्धि से अनुभव किया है कि जनता जनार्दन ईश्वर का रूप होता है। और मैंने अनुभव किया है कि इस बार का मेरा ये भारत भ्रमण तीर्थ यात्रा के समान था। एक नई ऊर्जा, नई शक्ति, नया स्पंदन ये प्राप्त कर करके हम सब लोगों को अवसर मिला है। और इसलिए ये चुनाव अपने आप में एक बहुत बड़ी वैश्विक दृष्टि से जरूर चर्चा होगी कि दुनिया का इतना बड़ा लोकतंत्र, इतना बड़ा, आजादी के बाद पहली बार इतना वोटिंग हुआ है जी इस चुनाव में, इतना परसेंटेज आजादी के बाद इतने लोकसभा के इतने चुनाव में इतना परसेंटेज वोटिंग इसके पहले नहीं हुआ है। ये अपने आप में 40, 42, 45 इन दिनों जो विदेश के मुझे फोन आते हैं, विदेश के नेता पूछना चाहते हैं, जो उनको जिज्ञासा रहती है, बधाई तो देते हैं। और जब मैं उनको कहता हूं 40-45 डिग्री टेम्परेचर में वोट करने जाते हैं तो बड़ा अजूब लगता है, ये कैसा क्षेत्र है कि 40-45। और इसी को लेकर के हमें आगे बढ़ना है। हम सबने देखा है कि एनडीए की विशेषता क्या है। दो चीजों को लेकर के पॉलिटिकल पंडितों को इस बात को समझना होगा। अटल जी, अडवाणी जी, जोशी जी, उस कालखंड से जो यात्रा शुरू हुई अटल जी का आशीर्वाद से, उसमें सबसे बड़ा लुब्रिकेटिंग एजेंट जो है वो है विश्वास, और उसको आगे बढ़ाना हम लोगों का दायित्व तो है। पीढ़ी बदल गई है, बादल साहब एक हमारे पास, अडवाणी जी पुराने लोगों में, बाकी बाला साहब नहीं है, उद्धव से चला लेते हैं, अटल जी नहीं है, मोदी को भुगतना पड़ता है लेकिन फिर भी उस महान विरासत, उन संस्कारों के कारण हम उसको और ताकतवर बनाते चले जा रहे हैं। और दो चीजें मैं मानता हूं कि बहुत ही महत्वपूर्ण है जो कभी न कभी तो देश के पॉलिटिकल पंडित देखेंगे। एनडीए के पास दो महत्वपूर्ण चीजें हैं जो हमारी अमानत है। एक है एनर्जी, एनडीए का दूसरा नाम है एनर्जी, और दूसरा है सिनर्जी। ये एनर्जी और सिनर्जी एक ऐसा केमिकल है जिसको लेकर के हम सशक्त और सामर्थ्यवान हुए हैं, जिसको लेकर के हमें आगे चलना है। पार्टी के अपने विचारधारा है, पार्टी अपने मैनिफेस्टो है, पार्टी की अपना कार्य संस्कृति है, तभी तो अलग पार्टियां हैं। लेकिन भारत जैसे उज्ज्वल भविष्य के लिए और भारत के लोकतंत्र के लिए इन सबको जोड़ करके चलना ये समय की मांग है। और उसमें आज सफलतापूर्वक अगर कोई गठबंधन चले हैं जिसके हित में, जिसके ध्यान में संपूर्ण प्रणय हिंदुस्तान का ही भविष्य प्रायोरिटी है, बाकी सब बाद में है, उसी का परिणाम है कि हम इसको प्राप्त कर पाए। इसे हमें आगे बढ़ाना है और बढ़ाने में हमें बहुत सफलता मिलेगी, ऐसा मुझे विश्वास है। कभी कभार अगर पिछले 2-5 साल का कार्यकाल देखें, इसके लिए हमें किसी और को दोष देने की जरूरत नहीं है, लेकिन एक छोटी सी जल्दबाजी या वन अपमैनशिप का मोह इतने बड़ी तपस्या को, इतने बड़े पुरुषार्थ को डिरेल करने के लिए ताकत रखता है।
2014 से 19 का कार्यकाल जो रहा, हम चर्चा में इसलिए नहीं रहे कि कुछ गलत किया, नहीं कोई ऐसा सरकार के प्रति, मिनिस्टर के प्रति, डिपार्टमेंट के प्रति ऐसा कोई तूफान खड़ा नहीं हुआ, घोर विरोधी भी नहीं खड़ा पाए, लेकिन अगर मसाला दिया किसी ने तो हमने दिया। जो बड़बोलापन होता है और वो टीवी के वो डंडे में पता नहीं क्या ताकत होती है, खोल देता है मुंह तुरंत, कुछ भी बोल देते हैं, और जो बोलते हैं तो वो 24-48 घंटे तक उनकी दुकान चलती है और हमारी परेशानी बढ़ती है। हम सब जब आए हैं तब क्या हम इस बात में तय कर सकते हैं? और कुछ लोगों तो मैंने देखा है कि जब तक सुबह उठ करके राष्ट्र के नाम संदेश नहीं देते हैं उनको चैन नहीं होता है। अच्छा, मीडिया के लोगों को भी पता होता कि 6 नमूने हैं, वहां सुबह पहुंच जाओ, गेट के बाहर खड़े रहो, निकले ही कुछ तो बोलेगा। कल्पना बाहर का नुकसान हमें होता है इससे, ऐसी ऐसी चीजें हमारे खाते में जमा हो जाती है जिसका हमारा कोई लेना देना नहीं है। सदन चलने के बाद मैं कुछ कहूंगा तो किसी को लगेगा कि शायद ये मेरे लिए कहा। आज बिल्कुल न्यूट्रल अवस्था में मैं कहता हूं कि हम सब इन चीजों से बचे, हमारे उज्जवल भविष्य के लिए भी जरूरत। यहां भी देखना, आज बहुत लोग आपको हंटिंग करते होंगे, पहली बार आए हैं, और शुरू में तो इतना बढ़िया पूछेंगे ना। और अटल आडवाणी जी जब पार्टी के नेतृत्व करते, दो चीजों से बचने के लिए कहते थे, वो कहते थे दो चीजों से बचना चाहिए, एक छपास और दूसरी दिखाश। छपने का जो मोह होता है वो, और टीवी पे दिखने का जो मोह होता है, इससे अगर बच के चलते हैं तो हम बहुत कुछ बचा सकते हैं, खुद को तो बचा सकते हैं औरों को भी बचा सकते हैं। और इसलिए आज भी देखा होगा आपने, कई लोग आ गए होंगे, अच्छा बताइए कैसा लग रहा है, पहली बार जीत करके आए कैसा लगता है, आपके सपने क्या है, फिर धीरे से पूछेगा आपके इलाके के लिए क्या कहना चाहेंगे, और फिर हमको भी लगा हां देश देखेगा। इस भ्रम में न रहे जी, वो शुरू में जो आपको मैग्नेटिक पावर से खींच रहा है और धीरे धीरे ऐसा नशा फैल जाता है कि हम उसके शिकार हो जाते हैं, ये बहुत आवश्यक है कि हम जितना इन चीजों से अपने आप को बचा सकते हैं। कभी कभार तो कोई कहे कि हमने ऐसा सुना है, आपका क्या कहना है, तो भाई क्या ठहरो, एक घंटे के बाद बात करते हैं, मैं पहला जांच करूं सचमुच में क्या हुआ है, वरना मूल बात बाजू में रह जाएगी, फिर आपका बयान, आपके बयान पर दूसरे का बयान, दूसरे पर तीसरे का, और रात पढ़ते बढ़ते बढ़ते मूल बात चली जाएगी और जिसने क्या कहा उस पर खेल चलता रहता है। वो बुरा करते ऐसा मैं नहीं मानता, उनको दोष देने की जरूरत नहीं है। हमारा मोह हमें संकट में पैर डालता है, और इसलिए नए जो साथी हमारे आए हैं और पुराने की भी, मेरा ये बहुत आग्रह है कि हम इन चीजों से बचें, क्योंकि अब देश माफ नहीं करेगा जी, देश माफ नहीं करेगा। हमारी बहुत बड़ी जिम्मेवारियां हैं और हमें इन जिम्मेवारियों को निभाना है। दूसरा भी समझ ली चलिए, कभी कभी आपको ऑफ द रिकॉर्ड बात करने के लिए लोग आते हैं, दुनिया में कुछ भी ऑफ द रिकॉर्ड नहीं होता है, भ्रम में मत रहिए जी, कुछ भी ऑफ द रिकॉर्ड नहीं होता है। और आजकल किसी के जेब में कौन सा इंस्ट्रूमेंट होता है पता ही नहीं होता है, और बाद में फिर वो हवा डाल देता है जी। इन चीजों से बचना ही हम लोगों का दायित्व है, और ये मैं सार्वजनिक रूप से इसलिए कहता हूं क्योंकि ऐसी छोटी 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 चीजें हमें परेशान करती रहती है। कितने ही बढ़िया निर्णय, कितने ही बढ़िया मेहनत काम किया हो, और कहीं कोने में एक आध हो गया खेल पूरा, उनको बड़ा मजा आ जाता है जी, क्योंकि बहुत बड़ा वर्ग है जी, वो 70 साल किसी और ने पाला हुआ है जी, वो हमें कौन स्वीकार करेंगे जी।
और इसलिए हमारी शिकायत उनके लिए नहीं है। हमें पता है कि उनका ये कारोबार है, हमें अपने आप को संभालना है। हमारी वाणी से, वर्तन से, आचार से, व्यवहार से हमें अपने आप को बदलना होगा। कभी कभार हमारे मन में ये आ जाता है कि हम अब तो एम हो जाता है, लेकिन हम याद रखें कि हमारे बराबर के कई दावेदार थे। हम याद रखें कि लक्षावधि कार्यकर्ताओं ने और चार चार पीढ़ी के पुरुषार्थ का परिणाम है कि आज हमें यह अवसर मिला है। और इसलिए हमारे भीतर का कार्यकर्ता जिंदा रहना चाहिए। थोड़ा सा भी अहंकार अपने आसपास के सबको दूर कर देता है जी। और फिर हमें भी आदत हो जाती है एक नए से मंडल के भीतर अपनी जिंदगी गुजारने की, हमें उससे बचना चाहिए। आप नए सब साथी हैं और मेरा दायित्व तो बनता है कि इन संकटों के सामने आपको सचेत करना, ताकि मुझे कभी जीवन में पछतावा ना हो, अरे उसके साथ ऐसा हो गया, अरे यार मैंने पहले बता दिया होता तो अच्छा होता, तो कम से कम मुझे दुख ना हो। आज तो मैं अपना कर्तव्य निभा रहा हूं, ताकि मैं कह सकूं यार मैंने तो कहा कभी संभालना, तो दो साल एक तीन साल के बाद अगर किसी के जीवन में कुछ होता है तो जरूर मेरे शब्द उसको काम आएंगे। और मैं समझता हूं कि अहंकार को जितना हम दूर सकते हैं रखना चाहिए। कभी कभार हमको लगता है समूह में तो हम कह रहे साहब पार्टी ने जिता दिया, लोगों ने बहुत मेहनत की, थोड़े दिन के बाद तो साहब मेरा अपना इतना ताकत है जी, मेरा इतना संपर्क है, इतने सालों की पुण्य ही है, तो जितना ही था मुझे धीरे धीरे आ जाएगा, देर नहीं लगती है। हम एक मान के चले साहब, न हम हमारी हैसियत से जीत करके आते हैं, न कोई वर्ग विशेष हमें जिताता है, न कोई जाति समुदाय हमें जिताता है, न ही मोदी हमें जिताता है। हमें सिर्फ और सिर्फ इस देश की जनता जिताती है। हम जो कुछ भी हैं मोदी के कारण नहीं है, जनता जनार्दन के कारण है। हम जो कुछ भी हैं हमारी अपनी योग्यता के कारण है, ऐसा भ्रम में हम ना आए, हम जो कुछ भी हैं जनता जनार्दन के कारण है। और हमें जन आदेश मिला है, जन आदेश, हमें उस जन का सम्मान करना है और उस जन के आदेश का पालन करना है। और उसमें हम एक पल के लिए भी हमें एक दूसरे से अलग होने का कारण नहीं है, और उसी भाव से हमें चलना चाहिए। हम लोग जानते हैं गर्भनाल, मां के गर्भ में बच्चा होता है तो एक नली के माध्यम से उसका जीवन चलता है। सार्वजनिक जीवन में जनप्रतिनिधि के लिए व्यक्ति का जनता के साथ संबंध उस गर्भनाल का जैसा मां और बच्चे का होता है वैसा होना चाहिए। वहीं से शक्ति मिले, वहीं से जीवन मिले, उस भाव को कभी हमने छोड़ना नहीं चाहिए और उसी को लेकर के हमने आगे बढ़ना चाहिए। आपको अनुभव आ जाएगा थोड़े दिन में। अभी तो मुझे सबकी सूची कौन जीत करके आए हैं कौन नहीं आए हैं सारी चीजें अभी तो देखना मेरा बाकी है, लेकिन इस देश में बहुत ऐसे नरेंद्र मोदी पैदा हो गए हैं जिन्होंने मंत्रिमंडल बना दिया है। और अगर सबका टोटल लगाएंगे तो शायद एक 5-50 एमपी रह जाएंगे जो मंत्री के लिस्ट में नहीं आएंगे, और ये सबसे बड़ा संकट होता है। फिर हमको भी कहना यार उस अखबार में आया है जरूर मेरा नंबर लगेगा,
मैं इतना हैरान हूं जी, आजकल लोग झूठे फोन करते हैं। मैं पीएमओ से बोल रहा हूं, आपका नाम तय हो गया, आप दिल्ली आ जाइए। अच्छा, वो नया होता है, वो आवाज भी पहचानता नहीं, वो भी बांध लेता है जी। मैं कृपा करके कहता हूं, ये जो मीडिया वाले नाम चला रहे हैं वो सरासर भेद पैदा करने के लिए कर रहे हैं, भ्रमित करने के लिए कर रहे हैं, अफवाहें फैलाने के लिए कर रहे हैं, अपने बद इरादों की पूर्ति के लिए कर रहे हैं। आप इस भ्रम में कभी मत आइए। कुछ तो लोग आएंगे, अरे यार मैंने तो तुम्हारा कंप्यूटर पे नाम देखा था, रात को 9 बजे नाम था यार, राष्ट्रपति की यहां लिस्ट गई, तुम्हारा नाम क्यों नहीं आया? यहां तक जैसे मेरे बगल में बैठ करके बना रहा है। मैं लंबे समय तक मुख्यमंत्री रह के आया हूं, 5 साल यहां रह के आया जा रहा हूं। देखिए जी, ऐसा कुछ नहीं होता है जी। ये कोई अगर आपको सुना दे तेरा तो तय है और वो तुझे करवा देगा, वो मिला, कुछ होना नहीं है जी। जो कुछ भी होगा, जो नॉर्म्स तय होते हैं, नॉर्म्स के आधार पर होता है। न कोई अपना है, न कोई पराया है, जो जीत कर का है सारे मेरे हैं, मेरे लिए कोई फर्क नहीं पड़ता है। दायित्व तो बहुत कम लोगों को दे सकते हैं, और इसलिए कृपा करके कोई पहुंच जाए कि मेरा तो खास है, चलो कर देता हूं, चक्कर में मत पड़ना भाई। अखबार में टीवी में आ जाए तो उसको फोन कर, भाई बंद कर दो, तुम मेरी इज्जत खराब कर रहे हो। वरना ये बड़ा, मुझे तो याद है, मैं गुजरात में सीएम था, हमारे छत्तीसगढ़ के कार्यकर्ता आ गए अहमदाबाद। मैं पहले छत्तीसगढ़ का प्रभारी था, पार्टी का काम करता था, परिचय बहुत था। तो कैसे आना हुआ? तो बोले कल आपका फोन आया था। मैंने कहा मैंने कोई फोन नहीं किया तुझे। तो बोले आपका फोन आया था, इसी में आया। तो बोले वहां तो सरकार बन रही है और मुझे बताया गया कि मोदी जी बुला रहे हैं और मोदी जी कहेंगे वही सरकार बनने वाली है। अब कहां मैं गुजरात में मुख्यमंत्री और कहां रमन सिंह? कोई लेना तेरा सही था, लेकिन उसको बेचारे को इतना खर्चा करके दौड़ाया। अच्छा, वो भी भरोसे के संगठन पर भरोसा करने वाले लोग थे, तो उनको लगा कि साहब मेरे लिए कोई सूचना होगी, तो आ गए। कोई मोह के कारण नहीं आए थे, डिसिप्लिन के कारण आ गए थे। मेरा कहने का तात्पर्य है कि ऐसे बहुत लोग होंगे जो आपको गुमराह करेंगे, आपने इससे बच करके रहना है। सरकार और कोई बनाने वाला नहीं है, जिसकी जिम्मेवारी है वही बनाने वाले हैं। अखबार के पन्नों से न मंत्री बनते हैं न मंत्री पद चले जाते हैं दोस्तों। ये भारतीय जनता पार्टी और एनडीए का कैरेक्टर नहीं है, और इसलिए कृपा करके शपथ समारोह तक मेहरबानी करके इन चीजों में कोई भरोसा मत करना। सही कह रहा है। और आपको फोन आ भी जाए, ऑफिशियल जब आए तब भी वेरीफाई कीजिए। क्योंकि वरना ये चीजें हैं जो बड़े ही नई नई मुसीबतें कर देती है। और इसलिए मेरा आग्रह रहेगा कि आप लोग इन सारी बातों को ध्यान में रखें। एक और संकट आता है, जो नए लोग आए हैं उनको तो तुरंत अनुभव आएगा। जब आप पहले घर से निकलते थे तो ऑटो रिक्शा वाला भी आपके सामने देखता नहीं था, टैक्सी वाला भी सोचता था कि ये इनको कहां ले जाऊंगा, तो आता नहीं था। तो अभी आपने देखा होगा स्पेशल कुछ ऐसी गैंग रहती है, वो सीधी एयरपोर्ट, अरे आइए आइए, नमस्ते, आप वहां से जीत के आए, आइए आइए आइए, अरे गाड़ी रेडी है। न पहले आपने देखा न देखा, कैसे आ गया भाई वो? ये दिल्ली की एक दुनिया है जी। और वो आते ही आपको इतना प्यार करेंगे, आपकी इतनी सेवा करेंगे कि आप एक प्रकार से पंगु बन जाएंगे, क्योंकि आप नए हैं। खाना कहाँ खाने के लिए जाना पता नहीं है, पार्लियामेंट जाना कैसे जाना, वो कहते हैं चिंता मत करो मैं ले जाता हूं। 3-4-5 दिन में तो आपकी, मनुष्य का स्वभाव ऐसी दोस्ती हो जाती है, फिर करता है यार इसको कहाँ निकालू। और 1-2 साल के बाद पता चलता है ये तो बड़ा खिलाड़ी है, और इस खेल के अंदर आपका बर्बादी हो गई। कृपा करके ये जो सेवा भावी लोग आते हैं ना, उनकी सेवा से मुक्त रहिए जी। यहां जो पुराने उन सबको मालूम है कैसे कैसे लोग चढ़ जाते हैं, और एक बार परिचय हो जाता है, आंख की शर्म आ जाती, फिर निकाल नहीं पाते आप, पता चलने के बाद भी नहीं निकाल पाते, मनुष्य का स्वभाव होता है। और इसलिए मेरा आपसे आग्रह है, पुराने एमपी भी आपको कहे कि मेरा ये अच्छा है, मैं तो अब चुनाव नहीं लड़ा हूं या मैं हार गया हूं, इसको तुम देख लो बहुत काम करेगा, बिल्कुल किसी को हाथ मत लगाओ जी।
आप अपने इलाके की योग्यता के लोग आप खुद चुनिए जिन पर आपका पिछले 10-15 साल का अनुभव हो। अदरवाइज ऐसी एक व्यवस्था दिल्ली में है जी, वो अच्छों अच्छों को फंसा देती है और बर्बादी का कारण बन जाती है, और इन चीजों से हमको बचना है। और मैं जानता हूं देश से सुनता होगा, लेकिन सच बातें बता देनी पड़ती है भाई, क्या करें अब बाहर कल क्या करता रहे, इस चिंता में मैं किसी की जिंदगी नहीं बर्बाद होने दे सकता हूं। और इसलिए मैं आपको कहता हूं एक बात, वीआईपी कल्चर देखिए देश को बहुत नफरत है। आपने देखा होगा कि एयरपोर्ट पे अब हम एमपी बन गए, वो चेक करता है तो हमको बुरा लगता है, यार मैं एमपी हूं और मेरा चेकिंग क्यों नहीं होना चाहिए चेकिंग जी, हम नागरिक हैं, कतार में क्यों नहीं उभा रहना खड़े रहना चाहिए। ये चीजें मैं आज क्यों कह रहा हूं, आपको बुरा लगेगा अच्छा लगेगा मैं नहीं जानता हूं, लेकिन अब देश और वहां 500 मोबाइल फोन से फोटो निकालते रहते हैं और फिर सोशल मीडिया में आ जाए तो आप यार ये किसने कर दिया किसने कर दिया, फिर आपको क्या गलत किया उसमें चिंता नहीं थे, किसने किया उसके पीछे आप समय बर्बाद करते हो। मैं चाहता हूं दोस्तों युग बदल चुका है, जनता जनार्दन बहुत सतर्क है सचेत है, हमें उसको ध्यान में रख करके अपने आप को बदलना है, सिर्फ दिखावे के लिए नहीं अपने आप को बदल देना चाहिए। लाल लाइट हटाना कोई इसमें इकोनॉमी पैसे कोई बजट कुछ नहीं था, लेकिन देश में एक मैसेज गया कि हाँ ये लाल लाइट का जो नशा है ना ये मोदी जी ने अच्छा क्या उतार दिया। सामान्य मानवी के मन में इन चीजों का असर है जी, हम जितना सामान्य मानवी, आप हमारे मनोहर पर्रिकर जी की पहचान ही यही थी, पहचान ही यही थी और वो अपने आप में बड़ी ताकत थी जी, बहुत बड़ी ताकत थी। मैं समझता हूं कि बहुत सी चीजें हैं जो अच्छाई से जो लोगों ने किया है, और वीआईपी कल्चर से हम जितना बच सकते हैं हमने बचना चाहिए। साथियों हम एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी पर आए हैं, हम पर दायित्व तो बहुत बड़ा है, क्षेत्र के काम एक हैं लेकिन आप एमपी हिंदुस्तान के हैं, देश के हैं, भारत के हैं, आपको केरल की भी चिंता करनी है, कश्मीर की भी चिंता करनी है, सिर्फ अपने क्षेत्र की या अपने राज्य की नहीं, अपने आप को एक राष्ट्रीय दृष्टिकोण से डेवलप करना होता है। आपको कई निर्णय करने आते हैं, आप लॉ मेकर हैं, और मैं मानता हूं कि हम कुछ भी करें तब उन कसौटियों से हम खड़े हैं वो देखते रहिए तो गलतियां कम से कम होगी, गलतियां नहीं होगी मैं कह नहीं सकता हूं कि हम मनुष्य हैं, मुझसे भी होती है लेकिन कम से कम होगी। एक महात्मा गांधी ने बहुत सरल रास्ता दिखाया है, महात्मा गांधी ने सरल रास्ता ये दिखाया है कि आप कोई भी निर्णय करो, आप उलझन में हो दुविधा में हो तो पल भर के लिए आखिरी छोर पर खड़े हुए आखिरी इंसान को याद कीजिए और सोचिए आप जो कर रहे हैं वो उसका भला करेगा कि नहीं करेगा। गांधी दीनदयाल और लोहिया इन तीन महापुरुषों की विचारधारा से पले बड़े लोग आज हिंदुस्तान की राजनीति पर प्रभाव पैदा कर रहे हैं, किसी भी दल में क्यों न हो लेकिन मुख्यतः इन तीन विचारधाराओं से निकले हुए लोग हैं। इन तीन में सेंट्रल आइडिया यही है, गांधी हो दीनदयाल हो लोहिया हो, और दूसरी कसौटी है बाबा साहब आम्बेडकर की तपस्या का जिस पर छाया है वो हमारा संविधान। बाबा साहब आम्बेडकर की उस तपस्या का उसके अंदर अर्क है, उसको हम मैं भारत के संविधान के अनुरूप कदम उठा रहा हूं कि नहीं उठा रहा हूं, अगर दो हमारे कसौटी के माध्यम होंगे मैं नहीं मानता हूं कि इस देश को एज ए इंडिविजुअल कभी कोई शिकायत का कारण बनेगा, कभी दल के रूप में नहीं बनेगा, कभी सरकार के रूप में नहीं बनेगा। और इसलिए मेरा आज आग्रह रहेगा कि हम हमारे कसौटी के इन मानदंडों को लेकर के हम चले और जनसेवा प्रभु सेवा के काम को लेकर के 2014 में इसी जगह पर से मैंने एक भाषण किया था, मैं नया था इस सदन में भी एमपी के रूप में पहली बार आया था, उस समय भी एनडीए के सब साथियों ने मुझे नेता चुना था,
और उस समय मैंने कहा था, मेरा कोई ज्यादा अनुभव तो नहीं था, मैं देश को मैं क्या दे सकता हूं, क्या कर सकता हूं, उतना कोई ज्यादा समझ के साथ आया नहीं था मैं। लेकिन उस बार मेरे भीतर से एक आवाज उठी थी और आवाज को मैंने कहा था कि मेरी सरकार इस देश के दलित हो, पीड़ित हो, शोषित हो, वंचित हो, आदिवासी हो, गरीब हो, उनको समर्पित है। और आज जिस जगह पर भारत के संविधान का निर्माण हुआ था, जिस जगह पर कभी बाबा साहब अम्बेडकर बैठे थे, जहां पंडित नेहरू बैठे थे, जहां सरदार वल्लभ भाई पटेल बैठे थे, उस सदन में बैठ मैं खड़े होकर के फिर से कहना चाहता हूं कि 5 साल उस मूलभूत बात जो हृदय से निकली थी, हमने एक पल उससे अपने आप को ओझल नहीं होने दिया। न डाइल्यूजन आया, न डायवर्जन आया, हम उस फोकस को लेकर के चलते रहे। और एक प्रकार से मैं कह सकता हूं कि 2014 से 2019 प्रमुख रूप से हमने गरीबों के लिए सरकार चलाई। और आज मैं बड़े संतोष के साथ कह सकता हूं कि 2019 में यह सरकार देश के गरीबों ने बनाई। हमारे देश में गरीब एक राजनीतिक संवाद विवाद का ही विषय रहा, एक फैशन का हिस्सा बन गया, एक ब्रह्मजाल में गरीब रहा। 5 साल के कार्यकाल में हम कह सकते हैं कि हमने ये जो ब्रह्मजाल थी, ये जो घनघोर बादल थे, उसमें से हमने छेद करने में सफलता पाई है। गरीबों के साथ जो छल चल रहा था, उस छल में हमने छेद किया है और हम सीधे गरीब के पास पहुंचे। और सच्चे अर्थ में गरीब को एम्पावर करके गरीबी के खिलाफ लड़ाई लड़ने का, वो स्वयं एक सैनिक कैसे बने, उस रणनीति के तहत हम सफलतापूर्वक आगे बढ़े हैं। और इसलिए तेज गति से भारत में से गरीबी मुक्ति की दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। और जो हमें रास्ता मिला है वो सफलता का रास्ता है, उसमें और जोड़ने की जरूरत है, जोड़ना है, लेकिन देश को इस गरीबी का जो एक टैग लगा है, इस देश को उसे मुक्त करना है। और आजादी के इतने साल के बाद वो हमसे रहने की अपेक्षा, घर की अपेक्षा करे, बिजली की अपेक्षा करे, पानी की अपेक्षा करे, तो उसका हक बनता है। उसके इस हक के लिए हमें जीना है, उसके हक के लिए हमें जूझना है, उसके हक के लिए हमने अपना जीवन खपाना है। और मुझे विश्वास है कि मुझे ऐसे साथी मिले हैं कि जो देश की इस जिम्मेवारी को निभाने में कोई कमी नहीं रखेंगे, ये मेरा विश्वास है। जैसा देश के गरीबों के साथ हुआ है, वैसा ही छल इस देश की माइनॉरिटी के साथ हुआ है। दुर्भाग्य से देश की माइनॉरिटी को उस छल में, उस छलावे में ऐसा भ्रमित रखा गया है, उसको भयभीत रखा गया है। अच्छा होता उसकी शिक्षा की चिंता होती, अच्छा होता उसमें से सामाजिक सार्वजनिक जीवन के भिन्न भिन्न स्तर के लीडर पैदा होते, अच्छा होता समाज के अन्य वर्गों की बराबरी में उनका भी आर्थिक सामाजिक विकास होता। लेकिन वोट बैंक की राजनीति में एक छलावा, एक काल्पनिक भय, एक काल्पनिक वातावरण और डर का माहौल पैदा कर करके उनको दूर भी रखा, दबा करके भी रखा और सिर्फ चुनाव में उपयोग करने का खेल चला। 2019 में आज मैं एक जिम्मेवारी के साथ आपसे अपेक्षा करने आया हूं। अब जब संविधान को के सामने सर झुका करके आपके सामने खड़ा हुआ हूं, तब मैं आपसे आग्रह करूंगा कि हमें इस छल को भी छेद करना है।
हमें विश्वास जीतना है। 1857 का स्वतंत्र संग्राम इस देश की हर कौम, हर जात, हर पंथ कंधे से कंधा मिला करके अंग्रेज सल्तनत के खिलाफ लड़ाई लड़ करके आजादी का बिगुल बजाया था 1857। आज जब हम आजादी के 75 साल के दरवाजे पर दस्तक देने की तैयारी कर रहे हैं, तब देश की एकता और अखंडता के लिए, भारत के संविधान की शपथ लेने वाले हम सबके लिए दायित्व तो बनता है कि 1857 के स्पिरिट को फिर से एक बार पैदा करें और उस समय 1857 में गुलामी से मुक्ति के लिए कंधे से कंधा मिलाकर के लड़े थे, अब सुराज्य के लिए लड़ना है, गरीबी से मुक्ति के लिए लड़ना है, कंधे से कंधा मिलाकर के लड़ना है और सबको साथ लेकर के चलना है। ये भय, डर, काल्पनिक जो चीजें बनाई है उसमें छेद करना हम सबके जीवन और आचरण और हमारी जुबान से भी निकलना चाहिए। एक बहुत बड़ी दायित्व है, उस दायित्व को हमें निभाना है। देश ने हमें, और जैसे मैंने कहा, जो हमने वोट देते हैं वो भी हमारे हैं, जो हमारा घोर विरोध करते हैं वो भी हमारे हैं, क्योंकि हम 130 करोड़ देशवासियों के लिए, हमारे लिए कोई भेद नहीं हो सकता है। और इसलिए मैं आज इस संविधान के साक्ष्य में, वो संविधान है जिस पर देश के उन महापुरुषों का हस्ताक्षर है, जिस पर बाबा साहब आंबेडकर के एक एक शब्द पर उनकी कलम का असर है, और इसलिए उसके साक्षी में आज हम मन में संकल्प करके चले कि देश के सभी वर्गों को, और पुराने तरीके काम नहीं आएंगे जी, वो तरीके उनको मंजूर है, हमें तो एकमात्र मार्ग, हम सबने मिलकर के 21वीं सदी में हिंदुस्तान को नई ऊंचाइयों पर ले जाना है। कोई पीछे नहीं रहना चाहिए, कोई इस विकास यात्रा में छूट नहीं जाना चाहिए, पंथ के आधार पर, जात के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। इस संकल्प को और मजबूती से हम करते आए हैं और अधिक ताकत से करते रहना है और उसको प्राथमिकता देते हुए चलना है और इस छल को छेद करना है जी। ये उनको हम हैंडओवर करके बैठे रहे, ये मुझे मंजूर नहीं। अब हम चुप रहते हैं, इसी का फायदा उठा रहे हैं, और इसलिए इस जिम्मेवारी को भी हम निभाएंगे, तभी तो देश हम पूरी तरह सबको साथ लेकर के चल सकते हैं, और सबका साथ सबका विकास और अब सबका विश्वास, ये हमारा मंत्र है। ...2022 आजादी का आंदोलन के 75 साल हो गए। हम एक ऐसे कालखंड में इस देश का नेतृत्व करने का हम लोगों को अवसर मिला है, जब 2019 गांधी 150 और 2022 भारत 75 और 550 गुरु नानक देव जी के, यानी एक ऐसा अद्भुत संयोग है ये कालखंड का, हम उसे प्रेरणा प्राप्त करते हैं। अधिकार से ज्यादा कर्तव्य पर बल देकर के देश को आगे बढ़ाने के लिए जन भागीदारी के साथ चल सकते हैं क्या? हम भी संकल्प कर सकते हैं कि भाई हां, जिस आजादी के कारण मैं आज यहां पहुंचा हूं, उस आजादी के लिए जिन्होंने त्याग और तपस्या की है, मैं भी, वो स्वराज्य के लिए मरे थे, मैं स्वराज्य के लिए बलिदान दूंगा, मेरी तरफ से मैं भी कुछ त्याग करूंगा, मैं भी कुछ छोड़ूंगा। हर साल हिंदुस्तान के 130 करोड़ नागरिक तय करे कि मेरे लिए ये संकल्प होगा, मैं ये करूंगा। हमें आंदोलन खड़ा करना है, जन भागीदारी से चलना है, और आज अवसर है कि हम इस आंदोलन को खड़ा कर सकते हैं, हम देश में एक स्थिति को पैदा कर सकते हैं, और देश के जन सामान्य को हम जोड़ करके स्वच्छता, कोई कल्पना नहीं कर सकता था कि स्वच्छता का जन आंदोलन बन सकता है, अगर स्वच्छता जन आंदोलन बन सकता है तो भारत समृद्ध भारत भी जन आंदोलन बन सकता है। तो समृद्ध भारत के सपने को और इंक्रीमेंट होता रहेगा, होता रहेगा, दुनिया इंतजार नहीं कर सकती है और न ही देशवासी इंतजार करेगा। हमें जितना हो सके उतना जल्दी करना है, बाकी तो कोई भी सरकार आएगी, कोई खराब करने के लिए थोड़ी सरकार आती, कुछ तो करते ही है, लेकिन हम कुछ तो करने के लिए नहीं आए, हम बहुत कुछ करने के लिए आए हैं। और इसलिए
उस भाव को पकड़ करके हम चलते हैं तो आजादी के 75 साल वो अपने एक वातावरण बना। 1857 का स्पिरिट जैसे देश की एकता के लिए आवश्यक है, वैसे ही 1942 टू 1947 वो 5 साल का स्मरण कीजिए। एक तरफ क्रांतिकारियों के बलिदानों की श्रृंखला, भगत सिंह सहित अनेक महापुरुषों का फांसी के तख्त पर चढ़ जाना, वीर सावरकर जैसे अनेक महापुरुषों का अंडमान निकोबार की जेलों में जिंदगी जवानी गुजार देना, भक्ति आंदोलन की पीठिका, और 42 टू 47 एक व्यापक जन आंदोलन, हिंदुस्तान का हर नागरिक एक प्रकार से आजादी का सिपाही बन गया था। कोई झाड़ू भी लगाता था तो कहता था कि मैं देश की आजादी के लिए झाड़ू लगा रहा हूं, कोई किसी को खादी पहनने के लिए कहता था तो भारत की आजादी के लिए पहनता था, कोई विदेशी चीज का उपयोग नहीं करूंगा कहता था तो मन में संकल्प कर करता था मैं मेरे देश की आजादी के लिए कर रहा हूं। 42 टू 47 का जो स्पिरिट था, हिंदुस्तान का जन जन जिस प्रकार से खड़ा हो गया था, हमें 2019 से 2024 और 2022 को प्रेरणा का बिंदु मान करके, प्रेरणा की एक बहुत बड़ी ज्योति समझ करके, आजादी के 75 साल को स्मरण करते हुए हम उस स्पिरिट को फिर से पैदा करें 42 टू 47 वाला, और उस स्पिरिट को लेकर के स्वराज्य के लिए जो वातावरण था वो सुराज्य के लिए कैसे बने, समृद्ध भारत के लिए कैसे बने, और हम लंबे अरसे तक डेवलपिंग कंट्रीज के टैग के साथ जीना मंजूर नहीं है। अगर 21वीं सदी एशिया की सदी है तो 21वीं सदी भारत की सदी बने, ये हम लोगों का दायित्व है। हमारे यहां बात है, जो भी लोग हमारे समर्थक मिलते हैं वो कहते हैं कि साहब बहुत बड़ा जनादेश मिला है, लेकिन जनता की अपेक्षाएं बहुत बढ़ गई है, स्वाभाविक भी है। कुछ लोगों को अपेक्षाओं से डर लगता है, मैं अपेक्षाओं को और अधिक प्रोत्साहित करने के पक्ष में रहता हूं, क्योंकि जिस समाज में एस्पिरेशंस नहीं होते हैं ना, वो समाज कभी कुछ नहीं कर सकता है। एस्पिरेशंस के बिना की सोसाइटी हो ही नहीं सकती, समाज में एस्पिरेशंस होने चाहिए, उमंग उत्साह उसके साथ जुड़ना चाहिए। और भारत घोर निराशा में से बाहर निकल करके, आशा और विश्वास से आगे बढ़ करके अब एस्पिरेशनल सोसाइटी के रूप में उसने जगह बना ली है। यह एक उज्जवल पल है, जब जन सामान्य के भीतर एस्पिरेशंस होते हैं तो हम थोड़ा सा भी सहारा दे दें उस एस्पिरेशन को पूरा करने के लिए अपने आप को खपा देता है, और उसका क्यूमुलेटिव इफेक्ट देश को नई ऊंचाइयों पर ले जाता है। और इसलिए 21वीं सदी भारत की सदी, और जैसे कहते हैं हिंदुस्तान में बहुत अपेक्षाएं हैं, मैं दुनिया के लोगों के बड़े निकट संपर्क में रहा, इन 3 दिनों में भी विश्व के जिन नेताओं से मेरी बातें हुई है, एक प्रकार से सभी प्रमुख नेताओं से बात हुई है, उनकी बातों से झलकता है कि भारत, भारत के नागरिकों की हमारे से अपेक्षा है इतना ही नहीं, अब दुनिया की भारत से बहुत अपेक्षाएं हैं। विश्व एक ऐसे ट्रायंगल पर आकर के खड़ा हुआ है जिसमें विश्व की भारत के पास बहुत अपेक्षाएं हैं। विश्व की भारत के पास अपेक्षाओं की पूर्ति का केंद्र बिंदु भारत के बाहर नहीं हो सकता है, सिर्फ डिप्लोमेटिक रिलेशन से नहीं हो सकता है, उस अपेक्षाओं की पूर्ति भारत की समृद्धि में है, भारत के सशक्तिकरण में है, भारत के सामर्थ्य में है। और इसलिए विश्व की अपेक्षाओं को पूर्ण करने के लिए भी हमने भारत को सामर्थ्य बनावान बनाना, ये वसुधैव कुटुंबकम के मंत्र को सार्थक करने के लिए पहली आवश्यकता है। और उस आवश्यकता की पूर्ति के लिए हम अगर देखेंगे, मैं मानता हूं कि विश्व जब हमसे अपेक्षा कर रहा है तो हमने इसको पूरा करने की दिशा में भरपूर प्रयास करना चाहिए। देश हमसे अपेक्षा कर रहा है, दुनिया हमसे अपेक्षा कर रही है, लोकतांत्रिक शक्ति के लिए भारत आज एक बहुत बड़ी आशा का किरण बना हुआ है। और जब विश्व की लोकतांत्रिक शक्तियां भारत की तरफ बड़ी आशा के साथ देखती हैं, तब लोकतांत्रिक परंपराओं को समर्पित भारत के सम 130 करोड़ नागरिक और उनके द्वारा चुने हुए हम जनप्रतिनिधि उन आशा अपेक्षाओं के लिए खड़े उतरने के लिए अपने आप को भी सज्ज करेंगे, अपने आप को भी योग्य बनाएंगे, और उस योग्यता के साथ हम आगे बढ़ेंगे। मुझे विश्वास है कि दुनिया हमें, हमसे जो सपने लेकर के
हमसे अपेक्षाएं रखती हैं उन अपेक्षाओं को पूर्ण करेंगे। भारत के सामान्य मानवी ने हमसे जो आशा अपेक्षा की है उसको पूर्ण करने में देश दो चीजें कम रह जाए देश कभी हमसे नाराज नहीं होता है, ये मान के चलिए। उसको विश्वास होना चाहिए कि हमने जो कहा था उस दिशा में हम ईमानदारी से कोशिश कर रहे हैं। हमारा समय का पल पल, हमारी शक्ति का पूरा सामर्थ्य इस काम के लिए लगे। आप सबने मुझे दायित्व दिया है, लेकिन ये कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है कि मोदी जी बस आपको बिठा दिया अब करके दिखाओ, जी नहीं। ये हमारी संयुक्त जिम्मेवारी है, सामूहिक जिम्मेवारी है, और मैं भी आप में से एक हूं। अगर कोई चोट पहुंचेगी तो झेलने की जिम्मेवारी मेरी है, अगर सारी सफलता के यश लेना है तो उसके हकदार सिर्फ और सिर्फ आप हैं। उसी भाव के साथ हम एक टीम बनकर के देश की आशा अपेक्षाओं को पूर्ण करने के लिए अपने आप को योग्य करें, हमारा शक्ति और समय लगाएं, और भारत के संविधान यही हमारे लिए सर्वोपरि है। हमारे लिए घर में हमारा कोई भी पूजा घर हो, कोई भी पूजा पद्धति हो, लेकिन हम निकलते ही भारत माता से बड़ा हमारा कोई इष्ट देवता नहीं हो सकता है, वही हमारा इष्ट देवता है। उसी इष्ट देवता के लिए और 130 करोड़ देवी देवता के रूप में जो हमारा समाज व्यवस्था है उसके प्रति उसी भाव के साथ समर्पित भाव से हम काम करें। मुझे विश्वास है कि आपने मुझ पर जो विश्वास रखा है मुझ पर आशीर्वाद भी बने रहे बड़ों के, और मैं भी अपनी क्षमताओं को योग्यता को बढ़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ूंगा, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। आपके साथ मिलकर के कंधे से कंधा मिलाकर के एक साथी कार्यकर्ता के रूप में मैं काम करता रहूंगा, ये भी मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। मैं फिर एक बार आज इस सदन में नेता चुनने के बाद देशवासियों को भी हमें जो जिम्मेवारी दी है इसके लिए मैं देश के सभी नागरिकों का आदर पूर्वक सर झुका करके नमन करते हुए धन्यवाद करता हूं, और देश की आशा के इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए मैं पूरा प्रयास करूंगा, ये मैं विश्वास के साथ फिर अपनी बात करता हूं। मैं फिर एक बार आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, आप सबका बहुत आभार व्यक्त करता हूं, सभी वरिष्ठ जनों का आभार व्यक्त करता हूं। इतने लंबे समय की साधना का परिणाम है कि देश का हम विश्वास जीत पाए हैं। इस विश्वास की पूर्ति के योग्य हमें ईश्वर बनाए, जनता जनार्दन ईश्वर का रूप है, हमें वो शक्ति दे, उसी को हम पूर्ण करते हुए चले। मैं फिर एक बार आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। तो एनडीए रिटर्न्स और सेंट्रल हॉल से लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे थे, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नए सांसदों के चुनकर आने को लेकर आभार जाहिर किया, और तमाम तरीके की बातें भी उनसे कही गई कि वीआईपी कल्चर से दूर रहिए और जनता ने इतना भरोसा करके हमें यहां तक पहुंचाया है तो उनकी उम्मीदों पर हमें खरा उतरना होगा, उनकी आकांक्षाओं को, उनके सपनों को, उनके संकल्पों को पूरा करना होगा। तो इसी